वेलकम टू माय चैनल वाह क्या स्वाद। आज मैं मसाला पनीर बनाऊंगी। इसे बनने में 14-15 मिनट लगने वाले हैं और ये खाने में काफ़ी टेस्टी होगा। पनीर के सबसे पसंदीदा आइटम मसाला पनीर होता है, तो चलिए हम बनाते हैं मसाला पनीर और देखते हैं इसे बनाने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मसाला पनीर बनाने में हम सबसे पहले पनीर लेंगे। मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसे बनाने में मुझे 4 प्याज लगेंगे। आप प्याज का भी रेशियो पनीर के हिसाब से ही लेंगे। और इसके लिए मैंने 1 टमाटर लिया है, 4 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक पाउडर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर। और ये मिक्स मसाला है, इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गर्म मसालों में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री, जायफल सब कुछ है। लहसुन का पेस्ट लिया है। और तड़के के लिए मैंने सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ते और जीरा लिया है, सरसों तेल लिया है। तो चलिए हम बनाते हैं पनीर मसाला। पनीर में हम सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और इसी में हम थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे कि हल्दी, मिर्च पाउडर और लहसुन नमक का एक कोट हम कर लेंगे पनीर को, ताकि पनीर फीका ना लगे। पैन गर्म हो गया है और अब हम इसमें कोटेड पनीर के टुकड़े डालेंगे। बस इतना ही पनीर को पकाना है कि पनीर का कच्चापन चला जाए, और पनीर को हमें ज्यादा नहीं पकाना है। दूसरे बैच के पनीर को भी हम फ्राई करेंगे। देखिए सारे पनीर फ्राई हो गए हैं और उसके बाद भी ये काफी सॉफ्ट हैं। हमें पनीर को डीप फ्राई नहीं करना है। अगर पनीर ज्यादा फ्राई हो जाते हैं तो वो खाने में रबर की तरह खींचते हैं। शैलो फ्राई ही करना है पनीर को। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हम प्याज को चॉप कर लेंगे। देखिए सारे प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में रफली चॉप कर लिया है। कढ़ाई गर्म हो गई है और अब हम इसमें तेज पत्ते, जीरे और सूखी मिर्च डालेंगे। पढ़ ले लिया, देखिए जीरे चटक गए हैं, लाल मिर्च और तेज पत्तों ने कलर बदलना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें चॉप्ड अनियन डालेंगे। अनियन को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं।
प्याज का कच्चापन पूरी तरह चला गया है और अब हम इसमें लहसुन के पेस्ट, मिक्स मसाले, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काला नमक, मिर्च पाउडर और नमक सारे मसालों को इसमें डालकर इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और इधर टमाटो को हम चॉप कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। टमेटोज को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे कम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। इसे हम और कुक कर लेंगे। अभी 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे फिर से चला लेंगे। देखिए मसालों के पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। मसाले अच्छी तरह भून गए हैं। मसालों का काफी अच्छा टेस्ट आएगा। मसाले के साथ प्याज, लहसुन, टमाटर, मसाले में लगभग 1 कटोरी पानी डाला है मैंने। देखिए मसाले अच्छी तरह मिल गए हैं पानी में। अब इनमें हम पनीर डालेंगे। पनीर डालने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर लेंगे और अब हम 2 मिनट में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के लिए हम ढक के तेज आंच पर पका लेंगे। तो देखिए सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है और सब्जी का कलर भी काफी अच्छा आया है। तो देखिए मसाला पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे बनाने में मुझे 15 से 16 मिनट लगे हैं और ये काफी टेस्टी बना है। तो आप भी जरूर बनाएं, एंजॉय करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।